मिश्रा जी, भाजपा का अब फोकस पूरी शक्ति के साथ, उसके पास जितनी शक्ति और सामर्थ्य है उसके साथ हो गया कि भाई वंशवादी राजनीति से मुक्ति होनी चाहिए। और हैदराबाद का जो अधिवेशन है भाजपा का कल और परसों का, उसका भी मूल सूत्र यही है। सरल है सूत्र, चूंकि है एक ही तीर से सारे निशाने लग जाते हैं, यूपी से लेके और तमिलनाडु तक। आपकी समझ में क्या लगता है, ये मुद्दा भारत के मन को कितना छुएगा? देखिए अमिताभ जी, जो आपने बोला अभी पिछले 20 25 30 सालों से देखिए, पहले की राजनीति को छोड़ दीजिए, क्षेत्रीय छत्रप जब डेवलप होने शुरू हुए हर राज्यों में, वंशवाद भी वहां से डेवलप होना शुरू हुआ। क्योंकि एक पीढ़ी ऑलरेडी पूरे राजनीति को, पूरे समाज को जकड़ के रखती है, तो बनी बनाई चीज पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। भाजपा इस चीज को जान चुकी है या अपनी रणनीति में अपना चुकी है कि अगर एक एक वोट को इनसे अलग करना है तो हम इनके डायरेक्ट इमेज पे या इन चीजों पे प्रहार तो कर नहीं सकते हैं, तो मुद्दा क्या हो। तो उन्होंने परिवारवाद के खिलाफ ही जनता की अदालत में एक परिवाद किया और उदाहरण दे के गिनाने शुरू किए कि परिवारवाद के कारण क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। और ये बात भी सही है, जो पीढ़ी संघर्ष करके आती है वो ज्यादा निपुण रहती है, लेकिन परिवारवाद के कारण जो दूसरी पीढ़ी आती है राजनीति में या शासन में, वो उतना डिलीवर नहीं कर पाती है। उसका एक लाइव उदाहरण आपने महाराष्ट्र में अभी देख लिया, 2-2.5 साल में उम्मीदें बहुत थी उद्धव ठाकरे जी से, लेकिन वो बाला साहब ठाकरे वाली चीजों को जो है वो उसकी पुनरावृत्ति वो नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि एक ही साधे सब सदे सब साधे सब जाए, तो भाजपा के लिए ये मुहावरा अगर सही साबित होता है तो परिवारवाद है। यानी मतलब कि जड़ को सींचने से ही पेड़ में फल और पत्तियां वगैरह सब पल्लवित होती हैं। तो एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक, मास्टर मुद्दा या जड़ जिसपे कुठाराघात किया जाए तो बड़े से बड़ा वटवृक्ष भी खत्म हो जाए। क्षेत्रीय छत्रप अपने एरिया में वटवृक्ष की तरह है, उनकी पत्तियां और टहनियां तोड़ने से भाजपा को सफलता नहीं मिलेगी, तो वो उन्होंने जड़ काटना शुरू किया। इसलिए ये परिवारवाद को सेंटर में रख करके इससे देखिए कितने चीजें सिद्ध कर रहे हैं। एक तो जनता को, उन्हीं के वोटरों को, सपोर्टर को वो तोड़ रहे हैं जो असंतुष्ट हो रहे हैं, जो नए वोटर हैं उनको अपनी तरफ कर रहे हैं, जो नए वोटर हैं राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए एक उम्मीद की किरण दिखा रहे हैं कि तुम्हारे एरिया में जब तक ये पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा तुम्हारा विकास नहीं होगा, राजनीति में आगे बढ़ना है तो हमारी आइडियोलॉजी पे आइए। तो ये एक ऐसा मुद्दा है कि सीधे जड़ पे प्रहार करने वाला मुद्दा है, पक्ष विपक्ष हर तरफ से जो है इनको बेनिफिट हो रहा है जी, ठीक। तो इसलिए ये परिवारवाद को मुद्दा बना रहे हैं जी, ठीक बात है। रविंद्र पटेल जी, डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, उनका स्वागत है। रविंद्र पटेल जी, मैंने जो एक व्याख्या की थी, चरण सिंह जी जब राजनीति में आए वो परिवारवाद से नहीं आए थे, लेकिन उस समय का भारत परिवारवाद को भी सिर झुका स्वीकार करता था। क्या वो कहते भैया यही शासन करेंगे और कौन करेगा, हम तुम थोड़े ना करेंगे। तो उसका लाभ अजीत सिंह जी को मिला, जितनी उनकी क्षमता थी, जितना उनका पात्र था उतना भर पाए पानी, बाकी फैल गया। जयंत चौधरी के आते आते तक भारत का मन बदल गया, मिजाज बदल गया। आप जो पीढ़ी है वो कहते ना जी पात्र हैं तो ठीक है, आप कैपेबल हैं तो सिरमाते कैपेबल नहीं है तो किसी आइडेंटिटी के कारण आप महत्वपूर्ण नहीं होंगे हमारे लिए। भाजपा शायद उसी मानसिकता को समझ गई, इसलिए उसको उसने एक अस्त्र के रूप में देशभर में चलाने की कोशिश की है। रविंद्र पटेल जी, सर आपने बात तर्कों से की है तो मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। जी जी जी, देखिए किस वंशवाद और किस परिवारवाद की बात भारतीय जनता पार्टी करती है हमको यह भी समझना होगा जी। देश के आजादी के पहले आप ही कह रहे थे कि देश के आजादी के पहले का जो मापदंड था वहां पे लोग संघर्षों से आए और उनकी एक पहचान बनी, उसके पहले राजतंत्र था या शायद कह लीजिए अंग्रेजों का शासन था। लेकिन
1947 के बाद या 50 के बाद जब जो नेता थे वो 50 साल 60 साल 65 साल 45 साल के थे, और 70 और 80 के दशक आते आते उन्होंने अपने परिवारों के बच्चों को आगे निकाला। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी किस परिवारवाद की बात करती है, मैं कुछ चंद उदाहरण देना चाहता हूं जी। अब उत्तर प्रदेश की हम राजनीति करते हैं, मैं उत्तर प्रदेश से चर्चा करता हूं। हुकुम सिंह की बेटी मिग्रांका सिंह, ठीक है, हमारे यहाँ मिर्जापुर जिले के ओम प्रकाश सिंह के बेटे अनुराग सिंह, हमारे मिर्जापुर जिले से राजनीति करके आगे बढ़े राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, लखनऊ के टंडन जी के बेटे गोपाल जी टंडन, शरद त्रिपाठी जो अब सांसद नहीं रहे उनके बेटे, उनके पिताजी, ये एक बहुत लंबी श्रृंखला है सर। ठीक, इसमें गिनाना शुरू करूंगा तो पूरा भाजपा नंगी हो जाएगी। ये सिर्फ बातों के धनी हैं और बातों से गुमराह करते हैं, इससे ज्यादा इनको कुछ नहीं आता। मैं इस बात को मानता हूं कि आज मैं संघर्ष कर रहा हूं, पॉलिटिकल सफरर हूं, नौजवान हूं, और मैं किसी मुकाम तक पहुंचता हूं, और मेरे संघर्ष से, चूंकि हर पुत्र अपने पिता को पहला हीरो मानता है, अगर वो मुझे अपना हीरो मान करके और मुझे अपना आदर्श मान करके मेरे संघर्षों को अपनाता है तो इससे बुराई क्या है? अगर उसका उत्तराधिकारी अयोग्य है, हम कहते हैं हैदर अली एक सामान्य सैनिक के बेटे थे और उन्होंने वो मैसूर के शासक बने, उनका बेटा टीपू सुल्तान बहादुर था, तसोडा टीपू सुल्तान, अगर वो बना तो क्या बुराई थी? अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए अगर कोई प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, वचनबद्ध है तो क्या बुराई है? और हम कहते हैं अयोग्य, आप योग्यता और अयोग्यता को पैमाना बनाइए। और क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करेंगे? आदरणीय मोदी जी की उम्र मान लीजिए 65-70 साल है, अब इन्होंने शादी ही नहीं की है, लेकिन जो इनके जी ठीक है, रविंद्र पटेल, रविंद्र पटेल ने जो बातें कही वो उसमें एक बात है जिस पर मैं टिप्पणी करूंगा, बाकी का उत्तर भाजपा देगी। ठीक है, ठीक है रविंद्र बाबू, आगे बात, आगे 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 मैं अपनी तरफ से स्पष्ट कर दूं, वंशवाद किस पर हम बहस करने आए हैं। मेरे लिए जिला अध्यक्ष का बेटा शहर अध्यक्ष होना हो गया, पर बहस करने नहीं आया मैं, बहस इस पर करने आया चरण सिंह जी, अजीत सिंह और जयंत, जो परिवार में होगा टॉप पोस्ट पे बैठेगा, वही नियंत्रक होगा, चाबी उसी के पास रहेगी। जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, रेहान बाड्रा, ये कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, छोटी कुर्सी नहीं, जो सबसे बड़ी कुर्सी है सो ला के डालो बाहर, इनके लिए पैदा होते ही उस कुर्सी पर जाएंगे। बड़े बड़े बादल साहब, सुखबीर, सुखबीर वहां जनरल सेक्रेटरी थोड़ी बनेंगे, सुखबीर तो चेयरमैन ही बनेंगे। रुक जा भाई, रुक जा बाबू, ठीक, नवीन बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, ठीक, एम के एम करुणानिधि, स्टालिन, स्टालिन, आप समझिए। इसलिए हम बहस जब लाते हैं तो इतनी हल्की भी नहीं लाते कि उसको ओम प्रकाश सिंह के लड़के अनुराग सिंह से इक्वेट करके कोई काट दे, इसलिए नहीं आएंगे दोबारा में, तब तक और तर्क सोच के रखो। ठीक, मैंने बताया कि चरण सिंह टिकट बांटेंगे, फिर अजीत सिंह बांटेंगे, फिर जयंत बांटेंगे, क्यों भाई? मिर्जापुर में जिला उपाध्यक्ष हो या के रालोद के, कोई आपत्ति नहीं होंगे ना। मूल बात है कि जमींदारी प्रथा में भी तो यही होता था कि भाई लड़का होगा तो वही बैठेगा उसी आसन पर, यही वंशवाद है जिसके खिलाफ भाजपा अभियान चला रही है। और देश का मानस बदल रहा है मित्र, ये भी जान लीजिए, कैसे बदलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन बदलता दिख रहा है। कौशल कांत जी, आप तक आवाज जा रही है? हाँ अमिताभ जी। जी रविंद्र पटेल जी कह रहे हैं कि अगर हम नाम गिनाएंगे तो भाजपा नंगी हो जाएगी, भाजपा तो खुद वंशवाद से घिरी है। अमिताभ जी, पहले तो मैं आपसे और अपने साथियों से क्षमा चाहता हूँ, दिल्ली में बारिश थी और मैं ट्रैफिक में फंस गया, इसलिए मैं लेट ज्वाइन कर पाया। कोई नहीं, कोई नहीं भाई, मैं आपकी बातें सुन पा रहा था जी। तो इसी का नाम राजनीति है अमिताभ जी, कि अगर कोई विपक्षी अच्छा काम भी करे तो उस अच्छाई में भी कितनी कमियां निकाली जा सके, वो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। हम सबको पता है कि परिवारवाद की वजह से जो लोकतंत्र है उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उसको हमने देखा है। कांग्रेस में हमने देखा परिवारवाद को, जिसने इतने सालों तक राज किया, और अगर आपके इंट्रो में भी बहुत बताया गया कि हर प्रदेश में जो लोकल पार्टियां हैं वो
पूरी तरह से वंशवाद से ग्रसित हैं। एक ही परिवार के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, उसी परिवार के लोग आपके अध्यक्ष बनेंगे पार्टी के, उसी परिवार के लोग मंत्री बनेंगे, एमएलए, सारी पोस्ट एक ही परिवार सेंट्रिक रहती है। ये एक ज्वलंत एग्जाम्पल है जो डेमोक्रेसी के खिलाफ काम करता है। और हमारे मित्र जो भी बोल रहे हैं और अपोज भी करेंगे, उन्हें ये सोचना चाहिए कि चाहे राजनीति के लिए ही मान लें, पर दिल से हाथ रख के तो सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम जनता के फायदे के लिए कुछ तो करने की कोशिश कर रही है। और जिस परिवारवाद का नाम ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, उस परिवारवाद में भारतीय जनता पार्टी शायद एक अकेली पार्टी है, शायद इसलिए बोल रहा हूं, हो सकता कोई एक्सेप्शन हो, जहां पर हम या कोई भी ये नहीं बता सकता कि किस समय किस स्टेट का कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। संगठन ही सब डिसाइड करता है और संगठन की यही क्षमता ही इस लोकतंत्र की आत्मा है और उसकी ताकत है। और मुझे लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र में पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर कोई चीज अच्छी हो रही है तो उसको समर्थन करना चाहिए। विपक्ष ठीक है, अपोजिशन कर सकता है, 100 एक्सेप्शन भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, हो चुकी है लोगों की इच्छा से, आप लोगों की दुआओं से, तो उसमें एक्सेप्शन हो सकते हैं, पर क्या वो डिसीजन मेकिंग में है, ये सबसे बड़ा सवाल है।